हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं कर रही हूँ एक और नया व्लॉग। सो बेसिकली आज है 2nd of October, गांधी जयंती है आज, तो सबकी छुट्टी है। तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी पापा के घर पे, क्योंकि मेरे दादाजी का तिथि है, मतलब जो तिथि होती है ना वो है, तो हम लोग वहीं पर आज लंच करने वाले हैं। वहीं हमारा लंच होने वाला है। अभी जस्ट मैं शार लेकर के निकली हूँ, विक्की अभी पूजा कर रहा है, फिर मैं पूजा करके हम लोग वहाँ पर निकलेंगे। एंड ऑल्सो आज मेरे घर पे, मतलब यहाँ पर ऊपर सुंदरकांड भी है हनुमान जी का, तो वो भी 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, 2-2.5 बजे से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से आने के बाद फिर वो अटेंड करूँगी मैं। एनीवेज आज मुझे 2 वीडियोज़ भी देने हैं ब्रांड को, जो कि बहुत टाइम से डिले चल रहे थे, मतलब पेंडिंग चल रहा था, इसलिए जब तक आप ये वाला व्लॉग देखेंगे आई एम श्योर आप ये लिविंग रूम जो डोर है वो देख चुके होंगे। आज मैंने कुछ और शॉट्स भी लिए हैं ऐसे दिन वाले जो होते हैं ना, क्योंकि मैंने उस दिन काफ़ी मुझे लेट हो गया था शूट करने में, तो इसलिए मैंने अभी दिन वाले शॉट्स भी उसमें इंक्लूड करे। एंड येस, तो आज का दिन देखते हैं और क्या क्या करने वाले हैं। सो मेरे को ये जो डार्कनेस है ये इसका रीज़न भी पता चल गया है, मेरे अंदर बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा जो डार्कनेस है वो बढ़ रहा है। एंड लेट्स सी, अभी थोड़ा मैंने खाने पीने पर ध्यान देना स्टार्ट किया, बिकॉज अभी तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, अब मेरा घर वर सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अब मैंने खाने पीने पर ध्यान देना स्टार्ट किया है, तो मे बी ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा और निकले अपन चले। तो चलिए गाइस, चलते हैं मेरे घर पर। इतनी तेज धूप हो रही है आज, मतलब अपन लोगों के जो वेदर होते हैं ना, ये इसलिए इस टाइम की जो धूप होती है इतनी ज़्यादा तड़के वाली इसलिए होती है क्योंकि बारिश का मौसम वैसे तो ख़त्म नहीं हुआ है इस बार, बहुत हर जगह इतना लेट तक बारिश हुई है, यहाँ पे भी इनफैक्ट बहुत बारिश हुई है, परसों ही बहुत तेज़ पानी आया था, तो बट ठीक है, अभी धूप वूप भी इतनी तेज़ आ रही, तो क्या हो रहा है ह्यूमिडिटी होती है, तो मेरे फ्रेंड्स लोग जब मुझे बोलते हैं ना, कहते हैं भाई मुंबई के लोग आ गए हैं ह्यूमिडिटी लेकर के यहाँ पर, तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ चलो बेटा मुंबई तुमको लेकर चलती हूँ, मुंबई की दिखाऊंगी ह्यूमिडिटी क्या होती है। मतलब वैसी गर्मी नहीं है यहाँ पे, मतलब आप घर के अंदर रहते हो ना तो वैसा ह्यूमिड नहीं लगता है, लेकिन हाँ बाहर जब निकलते हैं सनलाइट में, अरे बाबा रे, तब बहुत गर्मी है। धूप यहाँ की बहुत चुभती हुई, नॉर्थ की धूप बहुत चुभती हुई रहती है। घर से अब हम निकल रहे हैं, मतलब वापस से घर के लिए, तो लिए मैं गिफ्ट भी लेकर के जा रही हूँ, ये मम्मी पापा के तरफ से है, दिस इज़ फ्रॉम PC ज्वेलर्स, तो ज्वेलरी है मम्मी ने उस, मतलब अभी उसको इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वो अपना देख वेख लेगी, सारा जो डायमंड का कार्ड वार्ड मिलता है वो सब उसको दे देंगे, ताकि वो अपनी ज्वेलरी के साथ रख लेगी वैसा, और उसी टाइम मम्मी अगर देना होगा तो दे देंगे, नहीं तो अभी चला गया हो तो गिफ्ट, मम्मी कहती हम का संभालते फिरेंगे तुम तो दे दो वैसा वाला, तो मैं अभी लेकर के जा रही हूँ उसको दिखा दूंगी। एंड बस अभी घर पहुँचते हैं, सुंदरकांड चालू होने वाला है आधा एक घंटे में, तो तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो आई एम बैक होम, और मैं फटाफट से अपने जो कपड़े हैं उनको स्टीम आयरन कर रही हूँ और जाती हूँ ऊपर, क्योंकि 2 आंटी आ चुकी है। ओके गाइस, सो आई जस्ट गॉट रेडी, और मैंने एकदम सिंपल सा वो एक कुर्ता प्लाजो पहना हुआ है मेरा। ओके गाइस, सो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा काजल ऐड कर लेती हूँ। मैं पहले काजल बहुत लगाती थी, बहुत ज़्यादा लगाती थी, बट मेरे को ना आँखों में थोड़ा इरिटेशन होने लगता था, बिकॉज यूजुअली काजल क्या होते हैं, अपन स्मच फ्री काजल लगाना प्रेफर करते हैं, एंड यूजुअली जो स्मच फ्री काजल्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। रिसेंटली मामा अर्थ हैज़ लॉन्च देयर न्यू काजल्स एंड आई गॉट माई हैंड्स ऑन देयर काजल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी क्या है, ये इंडिया के फर्स्ट मेड सेफ काजल्स हैं विद goodness of chamomile and castor oil, giving your eyes the care of natural ingredients in smudge proof, waterproof, long lasting format. इस तरीके के 2 काजल्स लॉन्च करे हुए हैं। इस वाले काजल के साथ आपको शार्पनर भी मिलता है। जो काजल है ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म में है, मतलब आपको इसको शार्प नहीं करना पड़ता, इसको ट्विस्ट करिए, टर्न करिए, ये काजल आपका जो है वो बाहर आ जाता है। लुक एट दिस गाइज, ये एक ही स्ट्रोक में कितना जेड ब्लैक कलर इसने दिया है। Look at this. And ये मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, and look at this. ये waterproof हैं, smudge free हैं, और अब मैं आपको इनको अपनी आंखों में लगा के बताती हूँ। तो मैं usually अंदर काजल लगाना पसंद नहीं करती हूँ, मैं काजल को as a liner लगाना ज़्यादा prefer करती हूँ। काजल स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, वीगन है, क्रूअल्टी फ्री है, 11 आवर्स तक की लॉन्ग लास्टिंग है, एंड साथ ही साथ टॉक्सिन फ्री है।
काफी अच्छा लग रहा है एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस काजल इज कि ये केमिकल फ्री है। इस काजल में मिला हुआ है कैमोमाइल एंड विटामिन सी। कैमोमाइल के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं एंड विटामिन सी ऑफर्स एसेंशियल नरिशमेंट। सो एज यू ऑल नो दैट मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। आप जब भी मामाअर्थ की वेबसाइट से मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप तो एक मामाअर्थ का एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मामाअर्थ इज ऑल्सो अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड। दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप मेरा यूज करेंगे तो आपको ऑफ मिलेगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे। मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल है mamaearth.in पर, Flipkart, Amazon एंड Nykaa एंड साथ ही साथ मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी सारे प्रोडक्ट्स का, चेक जरूर करिएगा एंड ट्राई जरूर करिएगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। और अब मैं फटाफट से जाती हूँ ऊपर भजन में। पूजन वूजन भजन भजन सब कुछ हो गए थे टाइम पे एंड अभी एक्चुअली मम्मी के साथ डॉक्टर के यहाँ गई थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ। सो एक्चुअली मैंने जो बताया था ना, मेरी मम्मी को अपार्ट फ्रॉम जो गॉल ब्लैडर निकाला है वो सब तो एकदम नॉर्मल है, सर्जरी वर्जरी होकर के शी इज रिकवर्ड काफी अच्छे से, टच वुड। लेकिन उनको जो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है उसकी दवाइयाँ चल रही है, वो भी 3-4 मंथ्स तक चलेगी। तो उनको क्या हो रहा है, उन दवाइयों की वजह से यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो जो होम्योपैथी डॉक्टर है उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि इससे बढ़ता है एंड दिस इज नॉर्मल। एंड जस्ट बिकॉज यूरिक एसिड उनका बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उनको जॉइंट पेन्स हो रहा था। तो जस्ट फॉर हर सेटिस्फेक्शन हम लोग आज एक और डॉक्टर के गए थे जो कि वो होते ना नाड़ी चेक करके बता देते हैं, तो उन्होंने भी सेम चीज ही बताई है। तो क्योंकि वो रात में सो नहीं पाती थी, काफी ज्यादा उनको पेन हो रहा था जॉइंट्स में, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी हम दिखाने के लिए गए थे, उन्होंने एक आध दवाई लिख दी है। तो यस वही कर रहे थे। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 होने वाला है विद इन 10-15 मिनट्स में। तो क्योंकि आज मैं दिन में ये सब पूजा वगैरह उसमें लग गई थी, तो अदरवाइज आज मुझे काफी सारे वीडियोज बनाने थे, मुझे एडिट करके भी देना, मतलब मेरे ऊपर तलवार ऐसे लटक रही है। तो मुझे अभी एक और हॉल शूट करना है और एक ब्रांड वीडियो शूट करना है, मैं फटाफट से, क्योंकि दिस इज द टाइम जब सबसे ज्यादा यहाँ पे शांति होती है। हम लोग रहते मतलब ऐसे पैक्ड सोसाइटी नहीं है, दिस इज अ ओपन घर, सबके बने हुए हैं बट ओपन है। तो अब क्या यहाँ से ठेले वाले निकलते हैं भैया, फिर कोई निकलता है, फिर कोई निकलता है, दिन भर बहुत शोर रहता है, कियोस रहता है और फिर खटर पटर की आवाज़ें भी आती रहती है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम आई थिंक। तो मैं अभी फटाफट से 2 वीडियो खत्म करती हूँ और क्या है ना कि ज़्यादा मेकअप वेकअप करने की भी जरूरत नहीं रहेगी बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी ठीक दिख रही हूँ। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी ठीक ठाक दिख रही हूँ, तो फटाफट से मैं सेटअप करती हूँ एंड यही वाला ये मेरा सेटअप रहने वाला है। एक मिनट मेरा जो नया लेंस है वो बहुत तगड़ा वर्क करता है, मैं तो बहुत अच्छा ब्लर ब्लर कर देता है। मैं फटाक से टॉप चेंज करती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। सो इसका टैग मैं निकाल देती हूँ। सो या और बाय द वे विक्की ने मेरी 1% % बोल मत देना, 1% होगी है सिर्फ ये। हाँ, सिर्फ तो? ये वाली जो ये दिख रही है ना वो ये इसने अकेला ड्रिल किया है, बाकी उस वो जो मैं ड्रिल कर रही थी ना मुझे उसको ड्रिल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने विक्की से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्लीज आ जाओ ये ड्रिल कर दो, ये पता नहीं कौन सी तरीके की नेल्स लेकर के आ गया, बट ये नहीं आया। तो मैंने फिर अपने अकॉर्डिंग उसको ड्रिल, बर्बादी नहीं मचाई, इतनी बढ़िया तरीके से ड्रिल किया है कि उसमें इतना हैवी वेट, उसको हिलाना मत, हाँ उसको हिलाना मत। ये क्या है, बट वो फिट है, हिलता नहीं है, ऐसे तो इनके काम है, नहीं तो वो हिलता नहीं है। मैंने आपको बुलाया था, आप नहीं आए तो मैंने कर दिया। तो 5 मिनट रुक सकता है, नहीं रुक सकता है, मैं इसको आधे घंटे से बुला रही थी। मेरा काम ऐसा होता है अभी करना है तो अभी करना है, जैसे अभी वीडियो बनाना है तो अभी वीडियो बनाना है, चाहे ऐसे हो जाए चीजें वैसा। ड्रेसिंग टेबल पे लाइट्स लगी है, ये इट वर्क्स लाइक मेरी जो जैसे स्टूडियो लाइट्स होती है ना उस तरीके से। इसको जलाने के बाद मुझे अपनी रिंग लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है।
सो आई एम डन विथ माई शूट. जो एक शूट था जिमामे के लिए वो हो गया है. अब हम जा रहे हैं खाना खाने. 9:30 बज गई है तो भूख भी लगने लगी है. फटाफट से खाना खाती हूँ और फिर आकर के आपसे मिलती हूँ. डन विथ माई ऑल वर्क. टाइमिंग इज 10:15 राइट नाउ. फटाफट से सारी चीज़ें पॉइंट अप करती हूँ. काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ. आज मैंने 2 वीडियोज शूट कर लिए हैं. अब मैं कल बैठूंगी एडिटिंग करने के लिए एंड फुल ऑन सुबह से एडिटिंग चालू कर दूंगी. तो यस the broken hearts, I went home my life without you. Something right could be so wrong. तो मैं डायरेक्टली आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. और हम जा रहे हैं मेरे लिए लहंगा देखने के लिए. तो बहुत टाइम हो गया, मतलब अक्टूबर हो गया, आज हम लोग फाइनल करके आएंगे ही आएंगे. एंड साथ में पोशाक देखने भी जाने वाले हैं हम लोग. तो या लेट्स गो, लेके चलती हूँ आप लोगों को एक और शॉपिंग पे. आजकल लहंगे वाले जो होते हैं, शॉप्स वाले होते हैं, क्लियरली मना कर देते हैं. उनको ऐसा लगता है उनकी डिज़ाइन लीक हो जाएगी, तो अंदर अलाउ नहीं करते फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी. इसलिए मैं अंदर का दिखा नहीं पाती हूँ आपको, तो वो वाला रीजन है. तो लेट्स सी. तो अभी हम लोग आए हैं शॉपिंग करके, थक चुके हैं. तो ये है, दिस इज 56 भोग और ये खा रहे हैं. सो बहुत तेज़ भूख लग रही थी. रिसेप्शन का जो लहंगा है वो मैंने पसंद कर लिया है और एक मैंने ड्रेस पसंद करी है जो कि मुझे मिलेगी सब एक हफ्ते बाद, क्योंकि फिटिंग विटिंग होगी. तो लहंगा तो डेफिनेटली मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब रिसेप्शन रहेगा. बहुत सुंदर लहंगा है. भी हम लोग आए हैं न्यू मार्केट में. एक कोई मोरनी कलेक्शन है वहाँ पर, पीछे दिख रहा है. लेट्स गो. प्योर होगा ना ये, बहुत सुंदर. येलो मेरे पास, इसके पास येलो है, मेरे पास रेड है. ये हमारे पास है ऑलरेडी. हाँ वही ना. तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि मुझे राजस्थानी पोशाक चाहिए, तो अगर कुछ रिकमेंडेशंस हो भोपाल के लिए तो मुझे बताइएगा. तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस शॉप के बारे में बताया था. इसका नाम है घूमर एंड ये लाल घाटी पर है. ब्यूटीफुल कलेक्शन था इनके पास राजस्थानी पोशाक का, हर रेंज में अवेलेबल था और काफ़ी सुंदर सुंदर पोशाक थे. तो यहाँ पर हम लोग गए थे राजस्थानी पोशाक देखने के लिए एंड हम लोगों को कुछ पसंद भी आए थे, मतलब 2-3 हमको पसंद भी काफ़ी. कल आने के बाद मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग है. सो आई बुक द लहंगा फॉर माई सेल्फ. जो रिसेप्शन लहंगा होता है वो मेरा सॉर्टेड हो चुका है नाउ. फिर उसके बाद हम लोग, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, हम घूम एक शॉप में गए थे जहाँ पर राजस्थानी राजपूती ड्रेसेस थी बहुत सारी. बट मुझे पसंद भी आई वहाँ पर. बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस टाइम पे, किस ओकेजन पे उसको पहनूंगी. बिकॉज आई थिंक जो लोग राजपूत ड्रेसेस पहनते हैं उनको पता होगा कि वो स्टार्ट जो अच्छी वाली होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब 5-6 हज़ार से वो शुरू होती हैं. तो जो, और जो हम लोगों को पसंद भी आ रही थी वो भी ऐसी 10-12 हज़ार की ही थी. और जो हमारी पुरानी है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज की है. अब इतनी एक्सपेंसिव मैं ले लूँ उसके बाद वो किसी ओकेजन में पहनने पे ना आए और वो सब मुझे लग रहा था. तो मैंने बोला हम देख के तो आ गए कलेक्शन की कैसा है क्या है. कलेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा था उनके यहाँ पे, बट अभी फाइनलाइज नहीं करी है. तो एक चीज़ में मैं सॉर्टेड हो गई कि मेरा रिसेप्शन वो फाइनल हो गया है. अब जो हमारे यहाँ फेरे होने वाले हैं वो दिन के फेरे होने वाले हैं, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी क्या पहनने वाली हूँ, वो भी अभी तक मेरा डिसाइड नहीं हुआ है. उसके एक दिन पहले होने वाला है संगीता एंड एंगेजमेंट, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं लहंगा, ऑब्वियसली लहंगा पहनूंगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि कल जब टीनू को मैं लहंगा दिखा रही थी कि मेरे पास ऑलरेडी एक लहंगा है जो मैंने मेरे कज़िन की शादी में पहना था, आई थिंक आपने देखा होगा ये वाला, तो ये सोचा था कि इस लहंगे में कुछ मेकओवर दे करके इसको आप न्यू बना लेंगे, मतलब कुछ भी ऑरेंज डिटेलिंग या बॉर्डर्स ऐड करवा लेंगे, ड्राई क्लीन वगैरह करवा करके, मतलब ऐसा मैंने कुछ सोचा था. लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लहंगे में प्रॉब्लम क्या आई है. ये दिख रहा है आपको, ये होल, यहाँ पर दूसरा होल, ये तीसरा होल, ये चौथा होल, उसके बाद यहाँ स्लीव्स पे आते हैं. ये पांचवा होल. नाउ दिस इज द सिक्स्थ होल.
अब हम इस तरफ वाली स्लीव्स पे आते हैं। ये सेवेंथ होल, ये एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो मैनी होल्स। और इसी लेवल के जो होल्स हैं वो लहंगे में भी हैं। लहंगे में तो इतना दिख नहीं रहे हैं, उसको हम एक बार कवर करवा सकते हैं। थैंक गॉड दुपट्टे में नहीं है, बट पूरी चोली में होल्स हैं। तो मैं एक तरफ ये सोच रही हूँ कि इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट कर दिया जाए, इसकी चोली चेंज कर दी जाए। और मेरे पास एक और लहंगा है ब्लू कलर का, जो मैंने अपने कज़िन के रिसेप्शन में पहना था, वो इससे भी ज़्यादा प्रिटी है। तो उसमें कुछ मिक्स एंड मैच कर दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्वेस्ट करने को तो हम देखो कल का कितना भी कर दें, मेरे को चॉइस में है भी एक दो लहंगा। बट वही प्रॉब्लम है कि अभी टाइम ऐसा चल रहा है, पता चल रहा है संगीत ही नहीं हुआ, या जो भी सिचुएशन, 10 लोग आए 15 लोग आए या जो भी है, जैसा भी सिचुएशन उस टाइम पर होगी। तो वो सोच करके मेरे को लग रहा है कि, और एक तरफ लग भी रहा है कि घर की शादी है, मैं ऐसे भी कुछ भी नहीं पहन सकती। तो आई एम एट अ कन्फ्यूज्ड स्टेज। डू लेट मी नो अगर आपके पास कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस हो कि क्या कर सकते हैं। तो वही है, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास। तो यूजुअली हर दिन, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं एक आध दिन नहीं जा पाती हूँ, अदरवाइज मैं डेली एक चक्कर मार के आती हूँ। अभी मैं आज फिर से अपने घर गई थी 2 मिनट के लिए, और क्योंकि मुझे आज वीडियो शूट करना है। आज मैं किचन कंप्लीट कर दूंगी और साथ में जो दूसरा वाला बेडरूम है वो एक साथ शूट कर लूंगी। तो उसको शूट करने के लिए मुझे कुछ ऐसा इंडियन अटायर चाहिए था, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो मम्मी ने बोला ये वाला पहनना, पहले मैं ये पहनने वाली थी, बट ये थोड़ा पंजाबी लुक देता है एज कम्पेयर टू दिस वन। मैं आजकल अपने जो बाल हैं उनको कर्ल करती हूँ स्ट्रेटनर के थ्रू। ओके गाइस, सो आई एम डन विथ माय वीडियो शूटिंग। तो मेरा किचन का मैंने शूट कर लिया है, साथ में मेरा जो ये सेकंड बेडरूम है उसका मैंने शूट कर लिया है। पूरा मेकअप वेकअप उतार करके मैं एकदम फुल ऑन रिलैक्स मोड में आ गई हूँ। मतलब मैं इतनी, ये दो शूट होने के बाद ही मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन था ये मेरे सर पे। बर्डन मतलब मुझे ऐसा लग रहा था फटाफट से कंप्लीट होके फटाफट वीडियो बन जाए, एडिट में करती रहूँगी आराम से, उसका मुझे टेंशन नहीं है। वो तो भले ही अब 10 दिन बाद भी जाए तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो नाउ आई एम कन्फ्यूज कि नवरात्रि वाले दिन वैसे मुझे सेकेंड बेडरूम डालना चाहिए और लिविंग रूम में उसके बाद डाल दूंगी। अगर मैं लिविंग रूम बाद डालूंगी तो मैं ये वाला जो ब्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ मैं 2-3 दिन बाद डालूंगी, एंड आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग एवरीथिंग। ठीक है, देखते हैं कैसा करती हूँ, मैं सोचूंगी आज। तो अभी मैं कुछ काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से एकदम ऐसे मर मर के काम होता है ना, रात के 11:30, 11:30, 12:12 बजे तक मैंने एडिटिंग करी है, सुबह से उठ करके शूट किया है, एडिटिंग करी है, जस्ट बिकॉज मेरे जो कमिटेड वर्क है वो कम्प्लीट करने के लिए। तो अब मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। अभी मैं लगाऊंगी कुछ, क्या देखूंगी, अभी मैं देखती हूँ बिग बॉस लगाती हूँ या कोई सीरीज देखती हूँ। Hi everyone, good morning. So happy Navratri to all of you. आज Navratri का first day है और हम सबके fast हैं, मतलब literally सबके fast हैं, मेरे घर में भी और हमारे यहाँ first and last तो मैं भी रखती हूँ मैं, लेकिन बाकी नहीं रखती हूँ। तो विक्की, मेरी sister in law, मेरे father in law, मेरी mother in law, ये सब 9 दिन रखने वाले हैं। और मेरे विक्की बैठा हुआ है, और मेरे जो पापा हैं वो भी पूरे 9 डेज रखते हैं, लेकिन मेरी मम्मी का भी हम लोग मना कर रहे हैं रखने के लिए। तो मैं और मेरी मम्मी नहीं रखेंगे, तो लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि वहाँ खाना बनेगा तो मैं जाकर के वहाँ खाया ही करूँगी, यहाँ पे भैया अकेले का क्या ही खाना बनेगा। तो वैसा है, और अभी फटाफट से नहाते धोते हैं सुबह से, दूध आ गया, जाओ ले लो। तो अभी हम लोगों के घर की बिल्कुल पूजा वूजा सब कुछ हो गई है, और अभी विक्की और मैं जा रहे हैं मंदिर। पास में एक मंदिर है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वहां पर जाना। तो वही आप लोगों को,
अभी मैं और टीनू जा रहे हैं अगेन फिर से वही शॉपिंग पर. तो आज हम लोग निकल रहे हैं अगेन न्यू मार्केट जाएंगे, वही मोरनी वाले के यहाँ और एक दो और पालकी वालकी दो तीन शॉप्स हैं वो हम लोग, क्योंकि उनके यहाँ कुछ नया स्टॉक आया, उनका फ़ोन आया था. तो एक ड्रेस तो मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ, वो होता है ना फिनिशिंग विनिशिंग और उसका दुपट्टा वगैरह चेंज करवाया है मैंने, उसमें डली हुई है. और आज और देख करके आते हैं, अगर टीनू को कुछ पसंद आएगा तो वो लेगी. उसके बाद हम लोग को टीनू के लिए मेकअप का सामान लेने जाना है, तो वो मेकअप करती नहीं है, उसको मैंने पिछले बार कुछ कुछ सामान दिया था कंसीलर वगैरह. तो अभी मैंने उसको बोला कि मेरा ले सकती है बट उसको नया चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली है ना उसको लेना ही है एनी वेज, थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं. तो वो लेने के लिए हम लोग नायका जा रहे हैं. तो सब आसपास ही है, हम लोग कार नहीं निकाल रहे हैं बिकॉज वही पार्किंग का बहुत इशू होता है न्यू मार्केट में. ओके गाइस, सो आई एम ऑल रेडी. मैंने पहना ये सिंपल सा प्लेन टी शर्ट और ये रही मेरी जीन्स. आई वॉज एडिटिंग द वीडियो एंड आई रियलाइज कि मैंने इस वीडियो को एंड नहीं किया. सिर्फ गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. एंड ऑल्सो आई गॉट लॉट ऑफ दिवाली है पी आर मेरे पास आए हैं, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंक्लूड करती हूँ. बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे पास, सूट्स वगैरह आए हैं, तो वो सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना शेयर करती हूँ. जो भी अभी दिवाली पी आर मेरे पास आ रहा है, फेस्टिव सीजन वाला पी आर आ रहा है. तो येस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं. टिल देन बाय.